वेलकम बैक, आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। तो आज आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो के चक्कर में आप पड़े हुए हैं कि सबसे पहले एक लास्ट वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता का, इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। तो पहले सुन लीजिए, जाइए मत मेरे दोस्तों, समझिए पहले मेरे बात को। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं यूट्यूब पर पढ़ते हैं या कहीं पर भी पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, उनकी कहानी सुनिए। वह सोचते हैं कि एक दिन इन्हें पढ़ के हम विद्वान बन जाए। तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि जो एक दिन में कोई विद्वान बन जाएगा। कोई भी मंत्र, इन्हें मेहनत करना आपके लिए आवश्यकता है। आप मेहनत जितना करेंगे उतना ही विद्वान बनेंगे, क्योंकि एक दिन में कोई भी तालाब नहीं भरता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे हमने क्या कहा और कैसे आपके कंपटीशन के लिए होंगे। तो एक दिन में मैंने कहा कि ये तालाब नहीं भरता है, क्योंकि बूंदों बूंद तालाब भरता है। तो आप छोटे छोटे कर एक दिन में सोचेंगे कि पूरा हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला मेरे दोस्तों। और क्या करते हैं आप लोग कि थोड़ा सा वीडियो को स्टार्ट किए और आगे नहीं देखें, सुन लीजिए मेरे बातों को, थोड़ा सा देखें और आगे नहीं देखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं और आपको बकवास लगता है। तो पहले आप शुरू से देखिए कि वास्तव में समझाया क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है, पूरे वीडियो में आपको क्या दिखाया जा रहा है जो आपके लिए कंपटीशन के लिए नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके बताइए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है। आप यहाँ पर मैंने टेलीग्राम पर भी पीडीएफ में डाल रहा हूँ, तो उस पर भी आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएंगे, तथा हमारे होम पर पेज पर भी मिल जाएंगे। तो इनको आप कर लीजिएगा और मैं आपको इतना बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। आप समझने का प्रयास कीजिए, सिर्फ समझिए, और इसको देखने का प्रयास कीजिए, आपके अंदर एक समझ बनेगी। जो मैंने पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो उनके आकार थे कैसे थे, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के लास्ट वीडियो है। तो मैं आपको बताने वाला था कि बूंदे बूंद तालाब भरता है ना कि एक बार भरेंगे तो वही फट जाएगा और काम खत्म हो जाए। जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे 2 किलो घी एक दिन खाने से मुटाएंगे नहीं, पेट खराब हो जाएगा। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा घी खाएंगे तो आप मुटा जाएंगे। तो इसको पहले थोड़ा थोड़ा वीडियो आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि आखिर कहा क्या जा रहा है, समझाया क्या जा रहा है। ये आपकी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं 27 वीडियो आपको दूंगा जिसमें आपके एशियंट हिस्ट्री जो हैं वह समाप्त हो जाएंगे। एशियंट हिस्ट्री से आपके जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं लगभग सारे बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ से आपको पिन डाउन कर बता रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटी का बुक लेकर पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको एशियन हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। मैं बात करता हूं सिंधु घाटी सभ्यता के इस लास्ट वीडियो में, उनकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके राजनीतिक जीवन कैसे थे, समाज के जीवन ही कैसे थी, उन्हें समाज में कैसे जीते थे, तथा धार्मिक जीवन क्या थी तथा आर्थिक जीवन क्या थी। ये चार टॉपिक पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कैसे जीवन जीते थे और किसने क्या कहा और कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्तों। तो आज पूरा वीडियो कर देख के जाइए, ऐसे मत जाइए। अब बात करते हैं सबसे पहले राजनीतिक जीवन की। तो राजनीतिक जीवन में कैसे थे, कैसे उस समय राज करते थे, कैसे क्या करते थे, उनके बारे में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो बात करेंगे स्रोतों के अभाव के कारण। बताया जाता है कि स्रोतों के अभाव के कारण स्पष्ट रूप से सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी नहीं मिल पाती है। स्पष्ट रूप से जानकारी इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये सारा जो है पुरातात्विक पर आधारित है। पुरातात्विक का मतलब क्या होता है भाई, जो भी खुदाई कर वस्तुएं मिलती है उससे आधारित है, इसलिए स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पाती है। संभवतः बताया जाता है कि इसकी राजनीतिक जीवन क्या थी, तो कुछ लोगों का कहना था कि उसे जो प्रशासन थे, जो शासन करते थे पुरोहित जो थे, उन्हीं के आधार पर चलाया जाता था। कुछ बताया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वहाँ पर जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, जो व्यापार करने लोग आते थे, वही चलाते थे वहाँ का। लेकिन कुछ जो थे नगरी, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वहाँ के कोई नगरी प्रशासन, जो नगर का प्रशासन देख रेख करता होगा वही चलाता होगा, इसके द्वारा संचालित किया जाता होगा। तो ये स्पष्ट रूप से हमने पहले ही कहा था कि ये जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इनके बारे में यह बताया गया है। लेकिन पिकट महोदय द्वारा कहा गया कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा जो इनकी क्या है भाई, राजधानी है, जुड़वा राजधानी है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि जुड़वा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जुड़वा राजधानी है। तो पिकट महोदय ने कहा था
पिकार्ड महोदय ने कहा था, तो ये आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। और जुड़वा राजधानी किसको कही गई है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। तथा हंटर व्यक्ति जो थे इन्होंने कहा, हंटर जो थे इन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्र, इन्होंने कहा कि सारे जो लोगों ने कहा कि यह राजतंत्र है, यानी यह राजा के द्वारा चलाया जाता था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कई कई जगह पर कहा गया कि नहीं भाई, यह राजा उस समय नहीं होते थे, नहीं व्यापारी पर उसे जनतंत्र के द्वारा चलाया जाता था, यानी जनता के द्वारा संचालित किया जाता था, ना कि राजा के द्वारा। राजतंत्र का मतलब क्या था मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए। राजतंत्र का मतलब वैसे व्यक्ति जो राजा के द्वारा सारे नियम कानून लगाए जाते हैं और प्रजा उसकी बातों को मानती है, उसे राजतंत्र कहा जाता था। लेकिन जनतंत्र का मतलब होता है जो जनता द्वारा लगाए जाते हैं, जनता जिसको बनाना चाहते हैं, जिसको कहना चाहते हैं, वही जनता द्वारा जो शासन होता था वह जनतंत्रात्मक कहा गया है। तो ये दोनों तरीके से देखने को यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन बताया जाता है कि ये राजतंत्र और जनता तंत्र, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर राजा शासन करते थे, कुछ लोगों का नहीं कि नहीं यहाँ पर जन द्वारा, लोगों द्वारा शासन किया जाता था। तो ये स्पष्ट रूप से हमें जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन मैंने आपको एक समझ के दृष्टि से लिए मैंने बता दिया। अब बात करते हैं सामाजिक दृष्टि से कि सामाजिक जीवन उसमें जो लोग थे कैसे समाज में जीवन जीते थे और कैसे उनकी व्याख्या की गई है। समाज में सबसे सबसे छोटा इकाई जो होता था वह परिवार होता था। क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का सबसे छोटा इकाई किसको माना गया भाई, तो परिवार के। एक नंबर में क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे समाज का छोटा इकाई परिवार थी। संभवतः यह जो था संभवतः इसे मातृसत्तात्मक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा सत्तात्मक कहा जाता था, तो मातृसत्तात्मक कहा जाता था। जबकि मैं एक बार और भी बता दूं, जो मोहनजोदड़ो है इसे स्थानीय लोग मृतकों का टीला कहते थे। क्या कहते थे? क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो को स्थानीय लोग क्या कहते थे, तो मृतकों का टीला कहते थे। किसका टीला? मृतकों का, जिसमें लोग को जलाया जाता था। हमने बताया था पहले वीडियो में कि कैसे क्या किया जाता था, कहाँ दफनाया जाता था, कहाँ जलाया जाता था। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है। तो यहाँ पर हमने जाना कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, तथा यह मातृसत्तात्मक था। और इसकी बात करें तो यहाँ पर सामाजिक जीवन की बात करें तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर पूर्णतः प्रमाण नहीं मिला है। यानी वर्ण व्यवस्था जो थी, लोगों की जो जाति पाति की व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था में, तो वह पूर्णतः प्रमाण नहीं मिला है। जबकि आप वैदिक काल में पढ़िएगा तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोगों को चार भागों में बांटा गया था, वह वैश्य, क्षुद्र और क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये चार भागों में। तो हम लोग वैदिक काल में समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में पूर्णतः प्रमाण नहीं मिलते हैं। परंतु समाज में कई वर्गों के लोग विभाजित को देखने को मिलते हैं, कई लोगों को समाज में देखने को मिलते हैं, जैसे पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक, शिल्पकार आदि, ऐसे जो लोग थे वर्गों में देखने को मिलते हैं। पूर्णतः या पूरा पूर्ण रूप से प्रमाणित तो नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक और शिल्पकार। यहाँ तक आपको बात लगभग समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लिया जाए तो आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक्स। तो यहाँ पर आप बात करते हैं कि सभ्यता के जो लोग थे वह शांति प्रिय थे। कौन थे? प्रिय थे भाई, शांति प्रिय थे। क्यों शांति प्रिय थे? मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि वहां पर जितने भी खुदाई हुई है, पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं, तो वहां से अधिक मात्रा में अस्त्र-शस्त्र नहीं मिले हैं। इस कारण से लोगों ने कहा कि वहां के जो लोग थे वह शांति प्रिय थे, अन्यथा अगर वहां पर झगड़ालू होते तो बहुत सारे मात्रा में अस्त्र मिलते थे, लेकिन वहां पर ज्यादा मात्रा में अस्त्र नहीं मिले हैं। इसलिए बताया जाता है कि जो समाज के लोग थे वह शांति प्रिय थे, और वह जो दोनों लोग थे शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। कैसा भोजन करते थे? शाकाहारी और मांसाहारी, जैसे दूध ये सब करते थे, जैसे और भी शिकार कर मैंने पहले ही बताया था, शिकार कर भी खाना खाते थे। तो दोनों तरीके के भोजन करते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन कई बार ये पूछे गए हैं एग्जाम के, पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं कि लोग जो थे वहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की, वह
आभूषण जो पहनते थे कौन लोग पहनते थे, महिला पुरुष दोनों पहनती थी, कौन पहनती थी? तो आभूषण जो का प्रयोग जो करते थे महिला और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, ना कि महिला सिर्फ आभूषण पहनती थी पुरुष नहीं पहनते थे, दोनों लोग आभूषण को पहना करते थे, यहाँ बताया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। तथा मनोरंजन के लिए, मनोरंजन करने के लिए, खेलकूद के लिए बताया जाता है कि पासे, नेत्र, शिकार या जानवरों की लड़ाई, इस तरीके से वो अपना मनोरंजन करते थे। जानवरों को लड़ाना, पहले की आप सभ्यता में, पहले के लोगों में आप देखोगे कि पहले जानवर जानवर को लड़ाया जाता था, तो इसके काल में ये बताया जाता है। तो हमें समाजी के जीवन में बात में जाना कि वह सबसे परिवार सबसे छोटा इकाई थी, मातृ सत्तात्मक था, परंतु वर्ण व्यवस्था की वर्ण व्यवस्था की कोई प्रमाण नहीं मिलती है, लेकिन पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक जो लोग को विभाजित किया गया था, लोग शांति प्रिय थे तथा शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करते थे, और आभूषण महिला और पुरुष दोनों पहनते थे। मनोरंजन में पासे, नृत्य और शिकार करना तथा जानवरों को लड़वाना, ये यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन की, कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसे थी, कैसे वो खाते थे, कैसे कमाते थे। तो बताया जाता है कि कृषि के क्षेत्र में बताया जाता है कि वह जुताई करना, बुआई करना, सिंचाई करना सभी विधियों से परिचित थे। उनको बताना नहीं था कि कैसे जुताई किया जाए, कैसे क्या किया जाए, कैसे बुआई किया जाए, वह सभी विधि को यह से परिचित थे, वह जानते थे। जिस तरीके से बताया जाता है कि जौ और गेहूं जो थे वहां पर अधिक मात्रा में खेती होती थी, जिसमें बताया जाता है यहां पर कपास की भी खेती होती थी। जो लोग जो होते थे, विदेशी जो लोग होते थे यहां पर आते थे, और कपास का मतलब होता है रुई, जो रुई की खेती होती थी जिससे वस्त्र बनते थे, और यहाँ से माल वहाँ पर जाते थे। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो वह जुताई, बुआई और सिंचाई सभी विधियों से परिचित थे, जिसके बाद बात करते हैं गेहूँ, जौ, मटर, कपास से भी वह परिचित थे। ये नहीं था कि उन्होंने गेहूँ, जौ, मटर, कपास ये सबसे परिचित थे, वह जानते थे। तथा चावल से भी परिचित थे, जैसे के बारे में हमने जाना था कि लोकल और रंगपुर में चावल मिले हैं, तथा गाना रागी के प्रमाण नहीं मिले हैं वहां से। गाना रागी एक फसल है, इनके प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन वहां पर जो उनके पशुपालन थे, वो आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो पशुपालन जो था उनका कुबड़ वाला साढ़ था। प्रिय पशु कौन था? तो कुबड़ वाला साढ़। ये आपके एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रिय पशु कौन थे, तो कुबड़ वाला साढ़। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन से जानवर को देखा था, सबसे पहले कौन सा जानवर था, तो वह कुबड़ वाला सांड ही को सबसे पहले मनुष्य ने देखा था। कई बार बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं कि सर ये बताइए कि सबसे पहले कौन से जानवर को हमने देखा था, तो कुबड़ वाला सांड को। तथा प्रिय पशु में गाय, घोड़े आदि से वह सभी से परिचित थे। गाय को भी जानते थे, घोड़े को भी जानते थे, वह सभी से परिचित थे। अब बात करते हैं, हमने पशुपालन को देख लिया, कृषि के संदर्भ में भी देखा कि जुताई बुआई सबसे परिचित थे, क्या क्या खेती होती थी और क्या क्या के बारे में नहीं जानते थे, पशुपालन में कौन कौन से पशुपालन करते थे, तथा उनकी उद्योग कैसे थे। तो उद्योग जो थे उस समय कोई यंत्र या कोई बड़े चीज का खोज नहीं हुआ था, इसलिए वह सूती वस्त्र, बर्तन, शिल्पकारी आदि का उद्योग करते थे। छोटे छोटे घरों में अपना बर्तन बनाना, शिल्प, सूती वस्त्र बनाना, इसका उद्योग करते थे छोटे छोटे पैमाने पर। तथा बताया जाता है कि व्यापार जो करते थे वह पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान पर ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। यहाँ से व्यापार का मतलब होता है एक वस्तु को देकर, एक वस्तु मतलब कि यहाँ से वस्तु ले जाकर देना, बेचना और वहां से वस्तु लेकर आना, यानी व्यापार कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें कि निर्यात क्या क्या करते थे। यहाँ से मतलब जो वस्तुएं थी अपने भारत में, पूरे जो वस्तुएं थी वो क्या क्या निर्यात करते थे, तो सूती वस्त्र, हाथी के दांत और लकड़ी जो थे, चंदन के कई कई मात्रा में वह यहाँ से निर्यात करते थे। वहां से आयात क्या क्या होता था, चांदी होता था, कहाँ से आता था, ईरान से, अफगानिस्तान से आता था, जिनके संदर्भ में हम बात करते हैं। अब बात करते हैं जिसके संदर्भ में कि उसकी धार्मिक जीवन क्या थी और धार्मिक जीवन कैसे जीते थे। बताया जाता है कि वो सभ्यता जो थी लौकिक सभ्यता पर
लौकिक सभ्यता पर वर्चस्वशाली नहीं था। कहने का मतलब होता है कि वह धर्म पर उतना अधिक शक्तिशाली नहीं थे कि धर्म का विकास कर पाए। अधिक तरह से प्रमाण नहीं मिलते हैं और अधिक तरह से धर्म को नहीं देखने को मिलते हैं। बताया जाता है कि वहाँ पर मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं, वहाँ पर कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं, और उतना भी धर्म पर नहीं था कि वह धर्म पर धर्म विकसित करते जाता था। उस पर कोई धर्म पर भेदभाव के संदर्भ में नहीं बताया गया है। तथा मातृ, यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती थी। क्वेश्चन पूछेगा कि मातृ देवी की पूजा कहाँ होती थी, तो मोहनजोदड़ो में होती थी। तथा उर्वरकता की देवी की पूजा कहाँ होती थी, तो हड़प्पा में होती थी। कहाँ होती थी, हड़प्पा में। और मैं बता दूं वहां पर एक मुहर, एक ऐसा मुहर मिला है जहां पर पशुपतिनाथ का प्रमाण मिलता है। यानी क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि एक मुहर कौन सा था मिला था जिसपे कौन सा देवता का प्रमाण मिलता है, तो पशुपति देवता का प्रमाण मिलता है। जबकि नाग पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा पूजा तथा चिन्ह पूजा, वास्तविक चिन्ह पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं। वहाँ पर देखने को मिलता है कि वहाँ पर मातृ देवी, उर्वरकता की देवी को पूजा होती थी, तथा नाग पूजा होती थी, लिंग पूजा होती थी, योनि पूजा होती थी। ये भी प्रमाण वहाँ से मिलते हैं। जबकि बात किया जाए कि अग्निकुंड के भी प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, लोथल एवं कालीबंगा से मिले हैं। तथा वृक्ष एवं पशु पूजा का भी प्रमाण मिला है। बताया जाता है कि वहाँ पर वृक्ष की भी पूजा होती थी और पशु की भी पूजा की जाती थी। तो ये आज का लास्ट वीडियो था, आपको लगभग समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल में कैसे वेदों पर यह आधारित था, इसके संकल्पता कौन थे, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वेद कैसे थे और वेद को कितने भागों में बांटा गया है, और ये आपके एग्जाम के लिए कैसा हो सकता है मेरे दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।